हाई, वेलकम टू पेशस्कृत। आज ना हम लोग टी शर्ट पे पेंट करने वाले हैं कि मेरे हस्बैंड का ना बर्थडे आ रहा है, तो हम लोग कुछ कस्टमाइज करेंगे उनके लिए। तो यहाँ मैं उनकी टी शर्ट पे पेंट करने वाली हूँ। जो भी चीज उन्हें पसंद है वो सारी चीजें आज मैं इस टी शर्ट बनाने वाली हूँ। हाँ, स्टार्टिंग विद द चॉकलेट्स। उन्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है। यहाँ मैंने चौक यूज किया है ड्रॉ करने के लिए। आप चाहे तो व्हाइट कलर का पेन या व्हाइट पेंसिल भी यूज कर सकते हो। और हम आर्टिस्ट के पास तो हमारा आर्ट ही होता है ना गिफ्ट करने के लिए, तो ये सरप्राइज तो शायद गेस ही नहीं कर पाएंगे। अब सारे बेसिक फॉर्म्स बनाने के बाद अब हम लोग कलरिंग के और मूव करेंगे। कलरिंग भी स्टार्टिंग से हम लोग बेसिक ही रखेंगे, उसके बाद उसमें हाइलाइट्स और डेप्थ ऐड करते जाएंगे। और जब भी आप फैब्रिक पे पेंट कर रहे हो तो आपको ये एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपको कलर ज्यादा लेना है और पानी कम। और एज कम्पेयर टू कैनवास और पेपर, आपको क्लॉथ पे पेंटिंग करने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और कलर भी ज्यादा लगेंगे। और जैसे ही आपका एक फर्स्ट कोट सूख जाएगा, उसके बाद आप सेकेंड कोट के लिए मूव करें, वरना वो कलर्स दोनों एक साथ मिक्स होते रहेंगे। उससे अच्छा बेटर है कि आप हाइलाइट्स एंड में करें, जैसे हम भी यहाँ हाइलाइट्स फर्स्ट कोट सूखने के बाद ही करने वाले हैं। मेरे हस्बैंड को क्रिकेट बहुत पसंद है और वो खेलते भी है। ही इज अ गुड स्पिनर। अब जब तक मैं अपनी बेसिक चीजें खत्म कर रही हूँ, तब तक आप जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए और बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए। और ये चैनल पे हम लोग बहुत सारी नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो शायद आप कुछ नया सीख ले इस चैनल से, इसलिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे। आप देख पा रहे हो मैं हाइलाइट्स एंड में कर रही हूँ। जब मेरा फर्स्ट कोट ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं हाइलाइट के ऊपर जाऊंगी। अब हम लोग फटाफट बाकी की चीजों को भी कलर कर देंगे। He is one of the biggest fun lover I have ever seen in my life. आपके बॉर्डर्स अगर क्लीन नीट नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एम में इन्हें ब्लैक कलर से बॉर्डर करके क्लीन कर देंगे। यहाँ तो मैं आइसक्रीम बना रही हूँ, एंड तक पहुँचते पहुँचते शायद आप आइसक्रीम का फ्लेवर गेस कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह आइसक्रीम कौन सी है।
और थोड़ा बीच बीच में आपको आपकी टी शर्ट को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टी शर्ट थोड़ी स्ट्रेचेबल है, लेकिन अगर आप वैसे भी थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो कलर अच्छे से होगा, वरना कहीं कहीं कलर छूट जाएगा। इसलिए बीच बीच में स्ट्रेच करते रहे और अच्छे से कलर करें। और हर डिटेलिंग के लिए टाइम देना जरूरी है, टाइम दीजिए तो आपकी हर चीज बहुत अच्छे से बन के आएंगी। क्या आप गेस कर पाइए कौन सी आइसक्रीम है? कमेंट्स में बताना। अब हर छोटी चीज को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अब देख रहे हो, मैंने पेस्ट्री कंप्लीट तो कर दी थी, लेकिन उस पर हाइलाइट्स देने के बाद पेस्ट्री और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। क्या आपको भी पेस्ट्रीज पसंद है? कमेंट्स में बताना। छोटे छोटे हाइलाइट से भी हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी बनती जाती है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के नाम का इनिशियल लिख रही हूँ। आप कस्टमाइज कर रहे हैं तो नाम लिखना तो बनता है ना। आप सोच रहे होगे यहाँ पे YouTube का लोगो क्यों है? तो मेरे हस्बैंड भी एक यूट्यूबर है जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। उनके चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जरूर जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ट्रैवल करना किसे पसंद नहीं होता है? अब फटाफट हम सारी चीजों को कंप्लीट करके, डिटेलिंग करके टी शर्ट को जल्दी से खत्म कर देंगे। Now it's time for the background. अब जैसे हमारे कुछ borders रह गए थे जो हमें clean नहीं लग रहे थे, तो उसे हमने black color से border करके clean कर दिए हैं। आप देख सकते हो काफी सुंदर लग रही है t-shirt, और मेरे husband को बहुत पसंद आई है। उन्होंने तो अपने birthday party पे इसे पहनी भी थी, लेकिन unfortunately हमारे पास उसका photo नहीं है। Thank you.